Nitin Khandelwal to do the honors. The best gold necklace set of the year, bridal. Private Limited and Thirumal's Jewelers. And the winner is... Congratulations, sir. Thank you so much. Congrats to the winners, and thank you, Amisha, for doing. दिखाया था और फिर अचानक फ़ोन आया कि अमीशा मेरे एक खूबसूरत बहुत लाल रंग का लहंगा आपके लिए खास बनाया है, आप इसको ट्राई करो। तो मैं उनकी वर्कशॉप पहुंची और मैंने ट्राई किया, मैंने बोला इतना खूबसूरत है और लोगों ने मुझे लाल रंग में एक दुल्हन की तरह देखा नहीं है। हाँ, बड़े पर्दे पर देखा है लेकिन वो अलग तरीके के, काफ़ी अरसा हो गया और ये मॉडर्न तरीके की जो आजकल की दुल्हन होती है और इतना खूबसूरत काम और इनके कपड़े जो खूबसूरती है एक लड़की की वो और भी बढ़ा देती है। तो बहुत कम करना पड़ता है और आप अचानक खूबसूरत लगते हो क्योंकि इनके कपड़े इतने खूबसूरत हैं। बहुत बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मैं एक रानी हूँ और उतर रही हूँ पालकी से। ये फिर से अर्चना जी की माइंड का जादू था, उनका क्रिएटिव माइंड जो 24 घंटे चलते ही रहता है। और जब उन्होंने मुझे कहा कि हम ऐसा करेंगे अमीशा और ऐसा करेंगे, तो मैंने बोला बिल्कुल अच्छा ही लगेगा। मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ अलग, नॉर्मल रैंप में आप चलते हो, आप आते हो, आप रुकते हो, आप मीडिया के सामने तस्वीरें देते हो, लेकिन एक पालकी में आना और इतना खूबसूरत लगना मुझे लगा कि बहुत ही यूनिक आइडिया था। अमीशा, आपके नेकलेस की बात करें, बहुत ही अलग नेकलेस लग रहा है। इसलिए उन्होंने अवार्ड जीता है और ये खासियत है कि इनकी कारीगरी जो की गई है इतनी खूबसूरती थी, तो ये माना ही था कि उनको जीतना ही था। इतनी मेहनत से बनाया गया है इसलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि कढ़ा पहने या इयररिंग्स पहने, क्योंकि नेकलेस ही अपने आप में ही इतनी बेहतरीन नेकलेस है कि पूरी खूबसूरती और आँखें इस पर चली जाती हैं। आप क्या कहना चाहिए, क्या देखा आपने अमीशा में? और अरे मुझे हमेशा से ही अमीशा बहुत ही खूबसूरत लगती है और उन्होंने जो केदार हमेशा अपनी मूवीज़ में किया था मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता था। तो मैंने उनके लिए पहले एक मिरर वर्क लहंगा रेकमेंड किया था और जब ये लाल लहंगा बना तो हमारी सारी शॉप का एक, हमारे सब डिज़ाइनर्स का एक ये सोच थी कि हमेशा ये पहने तो और भी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि जनरली ब्राइड्स यू नो ये पूरा लाल के ऊपर लाल काम किया गया है, जनरली हम लाल के ऊपर गोल्ड काम करते हैं या एकदम चमकते, तो इसमें ना लड़की उभर करके आती है। कपड़े तो खूबसूरत हैं ही पर लड़की उभर के आती है, नहीं तो जनरली क्या हो जाता है कि जब कपड़े बहुत लाउड हो जाते हैं तो लड़की नहीं उभर सकती। तो उस थॉट प्रोसेस के साथ मैंने ये लहंगा बनाया, मैंने बोला हमेशा उभर के आएगी इसमें, बहुत ही खूबसूरत है। तो ऐसा ही हुआ, रिजल्ट ऐसा ही हुआ, जहाँ भी मैं चल रही हूँ वहाँ हर कोई मुझे बोला आप इतने अच्छे लग रहे हो, इतने अच्छे खास लग रहे हो, माय गॉड किसे बनाए, किसे बनाए, किसे बनाए। तो ऑफ कोर्स सब क्रेडिट अर्चना जी को जाता है और आई थिंक दिस वन ऑफ द बेस्ट गारमेंट्स आई हैव वॉर्न। बहुत जल्दी इस साल के फर्स्ट हाफ में ही आप मेरी दोनों फिल्में देसी मैजिक, जो अमीशा पटेल प्रोडक्शंस की कंपनी, मेरी खुद की होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म, और फिर सनी देओल के साथ गदर के बाद फिर से आ रहे हैं भैया जी सुपरहिट में, तो ये दोनों फिल्में जुलाई अगस्त तक रिलीज़ हो जाएंगी।
और उसके बाद सो बहुत काम है, बहुत काम करना है। और अर्चना जी भी फिल्मों के लिए मेरे लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मेरे इंडोर्समेंट शूट किए हैं, तो हमारी जर्नी अब बहुत खूबसूरती से स्टार्ट हुई है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी जर्नी अर्चना जी के साथ स्टार्ट हुई है। दुल्हा तो ढूंढ लो पहले, दुल्हा ही नहीं है तो शादी कहाँ से करूँगी। I think it's great because jewelry, you know, they say diamonds are a girl's best friend, but I think diamonds, gold, silver, everything are a girl's best friend. Or I don't think aisa koi nahi hai, chahe wo ladki ho ya aap ek aadmi ko bhi le lo, wo kam se kam chain ya ghadi to pehnta hai, you know. To jewelry is a very important part of our Indian culture especially, or it's a great platform to award the people that have worked so hard, and congratulations to you and all your hard work. Amisha, ek last question hai, jab jewelry ki baat ho rahi hai to koi ek aisi jewelry hai jo Amisha hamesha carry karti hai aapne? Ji bilkul, meri dadi maa jo 5 saal pehle guzar gaye the, उन्होंने मुझे उनके, वो महाराष्ट्र थे और महाराष्ट्र में वो टिपिकल डायमंड के इयर रिंग्स पहनते हैं जिनके छोटे से फूल होते हैं, उन्होंने मुझे एक दिवाली पे गिफ्ट किए थे, और वो मेरे लिए कोहिनूर से भी ज़्यादा प्रेशियस है क्योंकि दादी माँ के आशीर्वाद है और बहुत बहुत प्यार से उन्होंने मुझे दिया था, बहुत आशीर्वाद से। तो वो मुझे लगता है कि वो ज्वेलरी किसी भी महंगे से महंगे ज्वेलरी को बीट नहीं कर सकते। जस्ट वन मोर क्वेश्चन श्रीधर जी, व्हेन अ सेलिब्रिटी लाइक अमीषा पटेल वॉक्स द रैंप ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक दिस, व्हाट डू यू थिंक, आई मीन हाउ डज, हाउ मच डज इट गिव मोर रिकॉग्निशन और पुश टू द एंटायर कॉज? फर्स्ट ऑफ ऑल अमीषा जी हैज वेरी क्लियरली सेड ज्वेलरी इज द बेस्ट फ्रेंड फॉर लेडीज, एंड सच अ ब्यूटीफुल लेडी विद अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी, उसका जबरा ज्वेलरी का और उसका 10 गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया, वी नो इट इज़ एक्सट्रीमली गुड, बट द मोमेंट अमीषा जी व्हेन शी वोर इट, इट वाज आउटस्टैंडिंग, हमको भी आ रहे वाह इसका इसका गिफ्ट कर रहे सर आप लोग। सर अमीषा जी अच्छा कहा आपने, ये बहुत ही अच्छा कहा आपने, वेरी गुड। यहां पे आए हैं तो उनका कुछ सम्मान रखने के लिए कुछ सम्मान तो कर दिया है सर, पर और एक्स्ट्रा करेंगे, थैंक यू सो मच। अमीषा जी जैसे कि आपने कहा कि आपके लिए दूल्हा ढूंढना है, तो क्या क्वालिटीज होनी चाहिए अगर आपके लिए? क्वालिटीज की लिस्ट, क्वालिटीज तो बहुत होनी चाहिए, वो मैं आपको फुर्सत में बताऊंगी, ईमेल भेजेंगे। भाई एसटीएल वाले को जाने दो गाइस।